आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में 6000 करोड़ के टोल टैक्स घोटाले के खिलाफ एलजी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि एमसीडी में टोल टैक्स में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। घोटाले में बीजेपी नेताओं की साठगांठ और मिलीभगत है, इसकी सीबीआई जांच हो। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एलजी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। वहीं आप प्रवक्ता विकास गोयल ने कहा कि बीजेपी ने टोल टैक्स घोटाला कर एमसीडी को 6000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया, इसकी सीबीआई जांच करे। देखिए, जो टोल टैक्स का इतना हजारों करोड़ रुपया घोटाला हुआ है, 6000 करोड़ का, दिल्ली के 124 पॉइंट से जहां से लाखों कमर्शियल वाहन डेली दिल्ली में आते हैं, वो पैसा एमसीडी के खाते में ना जाकर अधिकारियों और नेताओं की जेब में, भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जेब में जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा अधिकारियों को मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा भाजपा नेताओं को मिलनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और जो ये पैसा जनता के टैक्स का पैसा है वापस एमसीडी के खाते में आना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी टोल टैक्स में 2017 में एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी को 1200 करोड़ हर साल 5 सालों के लिए ठेका दिया गया था। कंपनी ने कभी 10% तो कभी 20% पैसा दिया। बीजेपी शासित एमसीडी ने कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय ठेके को जारी रखा, और फिर 2021 में ठेका शाहकर ग्लोबल लिमिटेड कंपनी को महज 786 करोड़ में दिया गया। इसमें बड़ा घोटाला हुआ। डिप्टी सीएम साहब ने लेटर लिखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है, और हम इसको सड़क से लेकर जाए दिल्ली के घर घर तक हमें बात को पहुंचाना पड़े। हम इसकी जांच करवा कर रहेंगे, ये जांच नहीं करेंगे तो जब भी चुनाव होंगे और जब आम आदमी पार्टी आएगी इसकी जांच करा के दोषियों को सजा देगी। और यही घोटाले इन्हीं वजह से इन्होंने चुनाव टाले, आज ये बिल्कुल साफ हो रहा है, जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से ठेका पहले से ज्यादा पैसों का होना चाहिए, लेकिन उल्टा उसे कम कर दिया गया। साथ ही बीजेपी एमसीडी ने कोरोना काल में कंपनी को 83 करोड़ रुपए की छूट दे दी। 2017 और 2021 कंपनियों का मालिक भी एक ही है। देखिए, ये अपने घोटाले को बचाने के लिए इनके एलजी, इनके नेता, इनके अधिकारी सब बचाने पे लग जाते हैं। सरासर ये घोटाला है। अगर किसी भी एक आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि 5 सालों में देश के अंदर हर चीज़ महंगी हुई है, कोई कम नहीं हुई है। 1200 करोड़ को 700 करोड़ में कर दिया गया, किसके दबाव में करा गया, क्यों करा गया? जो 1200 करोड़ रुपये का टेंडर था 5 साल तक, उससे क्यों नहीं वसूला गया? लगभग 6000 करोड़ का घोटाला केंद्र सरकार की नाक के नीचे बैठकर इनके नेताओं ने, इनके अधिकारियों ने करा, और इसके बाद में ये फिर भी उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। दिल्ली की जनता, उनको देना पड़ेगा जवाब कि किस तरह से ये भ्रष्टाचारी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। बहरहाल, आम आदमी पार्टी ने एलजी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर मांग की है कि एमसीडी टोल टैक्स में 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अगर एलजी टोल टैक्स घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं कराते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो दिल्ली का नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी का हित चाहते हैं। एमसीडी में आपकी सरकार आने पर घोटाले की जांच होगी। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।